Welcome to my channel BioSchool. I am your educator Himani. This is the 11th lecture of the lecture series Molecular Basis of Inheritance. Make sure कि आपने पहले के भी सारे वीडियो देखे हो ताकि आपके कंसेप्ट में क्लियरिटी मेंटेन रहे. तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स. लास्ट टाइम हमने प्रोकैरियोट्स का देखा था एंड आज हम यूकैरियोट्स का देखेंगे. तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ देखे थे, कुछ पॉइंट्स देखे थे, जैसे बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट जो है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं. अब पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जीन्स मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये देखा था कि सपोज ये एक डीएनए है, ओके ये डीएनए है बट ये एक जीन है, क्योंकि पूरा डीएनए तो एक्सप्रेस नहीं होता है, ओके ये है हमारा जीन, ये पर्पल कलर में जो है वो हमारा जीन है एंड ये जीन आगे जाके आरएनए में एक्सप्रेस होता है, ओके ये आरएनए में एक्सप्रेस होता है, ये है हमारा आरएनए. पर हमने ये देखा था कि बैक्टीरिया जो है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक है. पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब क्या होगा कि एक ही आरएनए से हमें बहुत सारे प्रोटीन मिलेंगे. अब बहुत सारे प्रोटीन में फॉर एग्जांपल हमको ये तीन ये हमको प्रोटीन्स मिले, ये प्रोटीन वन है, ये सेकेंड प्रोटीन है एंड ये थर्ड प्रोटीन्स है, ओके तो एक ही आरएनए से हमको तीन प्रोटीन्स मिले तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक. इसको हम लोग कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक. पॉली मतलब क्या होता है कि मेनी, क्योंकि यहाँ पे एक ही आरएनए से हमको तीन प्रोटीन्स, तीन मतलब एक से ज़्यादा अगर हमको प्रोटीन मिलता है एक ही आरएनए से तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक. एंड ये बेसिकली जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो है वो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, बट ऐसा यूकैरियोट्स के केस में नहीं रहता है. यूकैरियोट्स के केस में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल जैसे ये डीएनए है, ये हमारा पूरा एक डीएनए है एंड ये हमारा एक जीन है, ओके ये हमारा इतना जीन है, ये जीन है, ये जीन आगे जाके हमारा इतना आरएनए में एक्सप्रेस होगा, ये है हमारा आरएनए एंड ये आरएनए से हमें एक ही प्रोटीन मिलेगा, इतना ये एक ही प्रोटीन हमको मिलेगा. तो जो एक ही प्रोटीन हमको मिलना है तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक. मतलब मोनो मतलब एक, सिस्ट्रॉनिक मतलब ये एक जीन का एक पार्ट होता है, तो ये एक ही आरएनए से एक ही प्रोटीन बनता है तो इसलिए हम लोग कहते हैं इसको मोनोसिस्ट्रॉनिक. एंड ये यूकैरियोट्स के केस में होता है, ओके ये यूकैरियोट्स के केस में होता है. बट प्रोकैरियोट्स में जैसे मैंने बोला था कि आरएनए मतलब एक ही आरएनए से जब इतने सारे हमको प्रोटीन मिलते हैं, तो हमने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया था कि आरएनए के आगे कुछ प्रोमोटर सीक्वेंस होते हैं जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, ये है प्रोमोटर सीक्वेंस, ओके ये प्रोमोटर सीक्वेंस है. तो ये जो तीन जो प्रोटीन्स बन रहे हैं उसके लिए एक कॉमन प्रोमोटर ही रहेगा, उसके लिए कुछ अलग अलग प्रोमोटर्स नहीं रहेंगे, ओके ये एक ही एक प्रोमोटर सीक्वेंस है, ये एक ही प्रोमोटर सीक्वेंस है. ये वाले इतने में प्रोटीन वन बना, ये वाले इतने में प्रोटीन टू बना एंड ये वाले इतने में प्रोटीन थ्री बना, तो इसमें एक कॉमन प्रोमोटर ही प्रेजेंट रहते हैं, अलग अलग प्रोमोटर्स प्रेजेंट नहीं रहते. तो ये हुआ प्रोकैरियोट्स का केस. तो हमने ये देखा कि जैसे इन यू कैरियोट्स द मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जीन्स हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस, द जीन इन द यू कैरियोट्स आर स्प्लिट, द कोडिंग सीक्वेंसेस आर और एक्सप्रेस सीक्वेंसेस आर डिफाइंड एज एक्सॉन्स. एंड और एक बात ये है कि सपोज जैसे ये तो हमारा डीएनए है, ओके ये हमारा डीएनए है, डीएनए से बनेगा आरएनए, के डीएनए से बनेगा आरएनए. फिर जो आरएनए रहता है एंड ये स्पेसिफिकली मैं यूकैरियोट्स के केस के लिए बोल रही हूँ, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है. तो यूकैरियोट्स में क्या होता है कि जो आरएनए तो बनता है पर आरएनए का ये पूरा कंप्लीट आरएनए ये आगे जाके प्रोटीन नहीं बनता है. प्रोटीन को कैसे बनेगा, फॉर एग्जांपल ये ग्रीन वाला सीक्वेंस जो है, ये जो ग्रीन वाला सीक्वेंस है ये यही आगे जाके एक कंप्लीट ऐसा प्रोटीन बनाएगा, ये ऐसा कंप्लीट प्रोटीन बनेगा. तो ये जो ग्रीन वाले सीक्वेंस है इसको कहते हैं एक्सॉन, ये ग्रीन वाले सीक्वेंस है इसको कहते हैं एक्सॉन एंड जो ये पर्पल वाले हैं इनको कहते हैं हम इंट्रॉन. तो भी एक्सॉन एंड इंट्रॉन का क्या केस है, एक्सॉन जो है वो ही एक्सप्रेशन में पार्ट लेते हैं, एक्सप्रेशन मतलब
प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं, जबकि जो इंट्रॉन है वो तो रिमूव हो जाता है आगे जाके, जो भी आरएनए एडिटिंग होगा उसमें इंट्रॉन रिमूव हो जाता है, वो एक्सप्रेशन लेस होता है, वो एक्सप्रेस नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जैसे द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सॉन, एक्सॉन्स आर सेड टू बी दो सीक्वेंस दैट अपीयर्स इन द मैच्योर और प्रोसेस आरएनए, द एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय द इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स और इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस डू नॉट अपियर इन द मैच्योर और प्रोसेस आरएनए। यही मैंने बताया कि जो आगे जाके प्रोटीन बनेगा उसमें सिर्फ एक्सॉन्स ही रहेंगे, इंट्रॉन्स नहीं रहेंगे। इंट्रॉन्स से तो एक बेसिकली जो इंटरवेनिंग सीक्वेंस होते हैं, इंटरवेनिंग ले जो इंटरफेयर कर रहा है, जो मैच्योर आरएनए जो बनेगा, मैच्योर आरएनए आरएनए जो बनेगा उसमें सिर्फ एक्सॉन ही रहेगा, जो इंट्रॉन्स होगा वो आगे निकल जाएगा। अब वो आगे जाके कैसे निकलेगा हम लोग देखेंगे आगे। इन बैक्टीरिया सिंस द एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर्स एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव एंड ऑल्सो सिंस द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट देर इज नो सेपरेशन ऑफ द साइटोसोल एंड न्यूक्लियस इन द बैक्टीरिया, मेनी टाइम्स द ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द एमआरएनए इज फुल्ली ट्रांसक्राइब, कॉन्सिक्वेंटली द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस अलॉन्ग विद द आरएनए मॉडिफिकेशन। अभी यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है, यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है कि जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन जो है, डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में होता है। ओके, आरआरएनए जो होगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो भी न्यूक्लियस में होगा, राइट। ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होता है कि आरएनए का एडिटिंग होता है समथिंग, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। आरएनए का जो एडिटिंग है वो भी न्यूक्लियस में होगा, बट फर्दर जो प्रोसेस रहेगा ट्रांसलेशन से लेके, ट्रांसलेशन के बाद जो भी प्रोसेसेस रहेंगे वो साइटोप्लाज्म में होगा, वो साइटोप्लाज्म में होगा। बट प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है कि हमको ये पता है कि प्रोकैरियोट्स में तो कुछ कंपार्टमेंट्स रहते ही नहीं है, कुछ ऑर्गेनेल्स रहते ही नहीं है, उसमें ना न्यूक्लियस होता है, ना गॉल्गी एपरेटस होता है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुला होता है, वो कुछ भी नहीं होता है, वो सिर्फ एक खाली सा एक कंपार्टमेंट होता है जिसमें कुछ स्पेस होता है, एंड वो स्पेस को हम साइटोप्लाज्म करके कंसिडर कर सकते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होगा कि चाहे डीएनए रेप्लिकेशन हो, ओके, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो या फिर चाहे ट्रांसलेशन हो, सब क्या होगा, ये सब साइटोप्लाज्म में ही होगा, ओके, क्योंकि इसमें कंपार्टमेंट में ही नहीं है। यूकैरियोट्स में डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते थे, बट प्रोकैरियोट्स में कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसमें कुछ कंपार्टमेंट्स ही नहीं है। तो प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है कि जैसे हमने देखा था कि जैसे ये डीएनए से आरएनए बना, ओके, ये डीएनए है एंड ये आरएनए है, एंड आरएनए से बनता है हमारा प्रोटीन, ओके। तो हमने ये देखा था कि जो प्रोटीन्स जो है वो राइबोसोम से बनते हैं, ओके, जो प्रोटीन से राइबोसोम से बनते हैं। तो जैसे ये एक डीएनए है हमारा, ओके, ये 5-3-, ये है हमारा 3-5-, ओके, ये है हमारा डीएनए, एंड यहाँ से हमारा बन रहा है आरएनए, ऐसे ये 5-एंड है एंड यहाँ पे 3-एंड है, ओके, ये हमारा ऐसे आरआरएनए बन रहा है। यहाँ पे हमारा समथिंग आरएनए पॉलीमरेज रहेगा, आरएनए पॉलीमरेज रहेगा। तो बैक्टीरिया में क्या होता है कि कंपार्टमेंट तो अलग अलग नहीं होता प्रोसेसेस के, कंपार्टमेंट एक ही होते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही ये आरएनए बन रहा है उसी टाइम, मतलब साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे क्या होता है कि ये राइबोसोम यहाँ पे आएंगे, बाइंड करेंगे एंड ये लोग ट्रांसलेशन भी स्टार्ट कर देंगे, मतलब ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने से पहले ही ये ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देते हैं। बट यूकैरियोट्स के केस में ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कंपार्टमेंट चेंज करना होता है कि जैसे आरआरएनए, जैसे ये एक सेल है, ओके, ये एक सेल है एंड ये वाला सपोज न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस में जब आरएनए बनेगा तो इसको बाहर साइटोप्लाज्म में आने के लिए टाइम लगेगा, ओके, तो इसलिए ये साइमल्टेनियसली होता नहीं है, ओके। यूकैरियोट्स में क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन ये न्यूक्लियस में होता है बट बाकी ट्रांसलेशन के प्रोसेसेस ये साइटोप्लाज्म में होता है। प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, ये क्या होता है कि साइमल्टेनियसली ट्रांसक्रिप्शन भी चलता है एंड ट्रांसलेशन भी चलता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कपल्ड रिएक्शन,
कपल प्रोसेसर कहते हैं। हम लोग इसको कपल क्यों कहते हैं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली कैरी आउट होते हैं साइटोप्लाज्म में। इसलिए क्या होता है कि ये कपल्ड होता है, ये यहाँ पे लिखा है कपल्ड इन बैक्टीरिया, ये कपल्ड होता है। ये हमारे पॉइंट्स हो गए। और फर्दर क्या होता है कि जो हमने प्रोकैरियोट्स के केस में जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस देखा था, लाइक जैसे ये प्रोसेस था, मैंने ये कहा था कि यहाँ पे कुछ प्रोमोटर सीक्वेंस रहते हैं, यहाँ पे कुछ प्रोमोटर सीक्वेंस रहते हैं एंड यहाँ पे कुछ टर्मिनेटर सीक्वेंस रहते हैं। ओके, ये हमने देखा था, ये हमारा कुछ हुआ प्रोमोटर सीक्वेंस एंड ये कुछ हुआ हमारा टर्मिनेटर सीक्वेंस, एंड बीच वाला जो है वो स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है। तो हमने क्या देखा था कि आरएनए पॉलीमरेज जो है उसके लिए हमको सिग्मा फैक्टर चाहिए था, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जीन को तो एक्सप्रेस कर लेगा, पर ये इसको यहाँ पे प्रोमोटर सीक्वेंस में लाने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती थी, एंड वो कौन था, वो एक सिग्मा फैक्टर था जो हेल्प करता था पॉलीमरेज को प्रोमोटर की तरफ लाने के लिए। एंड वो टर्मिनेशन एंड आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेशन भी नहीं कर पाता था, उसके लिए एक फैक्टर चाहिए था जिसको था जिसको हम लोग बोलते हैं रो फैक्टर। वो रो फैक्टर आने की वजह से टर्मिनेट होता था। तो प्रोसेस एंड जो आरएनए पॉलीमरेज है वो 5-2-3- डायरेक्शन में प्रोसेस करता था। ओके, आरएनए फॉर्मेशन करता था। ओके, तो यूकेरियोट्स के केस में भी सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। ओके, लाइक 5-2-3- डायरेक्शन में जाएगा, बट इसमें डिफरेंस इतना है कि इसमें सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर नहीं चाहिए। सिग्मा फैक्टर प्रोमोटर में बाइंड करने के लिए एंड रो फैक्टर टर्मिनेट करने के लिए, ये दो फैक्टर्स नहीं चाहिए होता है यूकैरियोट्स के केस में। यूकैरियोट्स को कुछ अलग फैक्टर्स चाहिए होता है, वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये नीट के सिलेबस में नहीं है, बट इसके लिए कुछ अलग फैक्टर्स चाहिए। ओके, सिग्मा एंड रो फैक्टर्स नहीं चाहिए। तो हम लोग इतना बस कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का प्रोसेस सेम होता है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें सिग्मा एंड रो फैक्टर नहीं लगेगा, बाकी ऑलमोस्ट सब सेम है। एक डिफरेंस एक ये आता है कि बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट्स के केस में सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज रहता है। ओके, कुछ लाइक जैसे आरएनए के बहुत सारे टाइप्स है, तो कोई भी टाइप को कोई भी आरएनए को ट्रांस कोई भी डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए, या फिर कोई भी आरएनए अगर हमको बनाना है तो इसमें एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज लगता है बैक्टीरिया के केस में। बट यूकैरियोट्स के केस में तीन टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। अब आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या कहता है कि आरआरएनए को बनाता है, आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। सेकंड जो पॉलीमरेज है जो एमआरएनए को बनाता है एंड एचएनआरएनए को बनाता है। थर्ड जो पॉलीमरेज है वो टीआरएनए को बनाता है, 5SRRNA को बनाता है एंड एसएनआरएनए को बनाता है। अब ये बेसिकली क्या है, आर आर एन ए मतलब क्या होगा, राइबोसोमल आर एन ए। राइबोसोमल आर एन ए मतलब क्या होगा, ये जो राइबोसोम है, हमने ये देखा था, ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम में ऐसे कुछ आर आर एन ए रहते हैं। ओके, तो ये कौन सा हुआ, 28SRNA, 28SRNA, 18SRNA, 5.8SRNA, ऐसे बहुत सारे आर एन एज होते हैं। तो ये जो प्रोटीन है, ये जो आर आर एन ए है, ये आरआरएनए कौन बनाता है, वो बनाता है आरएनए पॉलीमरेज 1 से। प्रोसेस सब सेम रहेगा, जो हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था वही सब प्रोसेस सेम रहेगा। ओके, पॉलीमरेज 2, अब ये पॉलीमरेज 2 क्या कराता है, वो एमआरएनए बनाता है। ये जो हमारा नॉर्मल जो एमआरएनए हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट्स में, वो सेम एमआरएनए प्रोसेस करेगा। डिफरेंस यही है कि ये आरएनए पॉलीमरेज 2 कैरी आउट करेगा एंड ये एचएनआरएनए भी करेगा। वो क्या होगा हम लोग देखेंगे। थर्ड ये है कि आरएनए पॉलीमरेज टी, आरएनए पॉलीमरेज टी आरएनए बनाता है, जो हम लोग आगे जाकर ट्रांसलेशन में देखेंगे। टी आरएनए मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। एक 5SRRNA है, ये एक राइबोसोमल आरआरएनए इधर हुआ पर ये 5S हुआ एंड एसएनआरएनएज होते हैं। ओके, अभी प्रॉब्लम क्या आता है कि जैसे हम प्रोकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन बहुत सिंपल है, लाइक उसके एमआरएनए में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता, बट यू कह रहे उसके केस में मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन होता है। अभी यू कह रहे उसके केस में क्या होता है कि जैसे ये डीएनए है, डीएनए है, डीएनए से ये आरआरएनए बनेगा, पर ये जो आरआरएनए बनेगा वो कौन सा आरएनए होगा, वो होगा एचएनआरएनए।
एच एन आर एन ए का क्या होगा कि फर्दर इसका मॉडिफिकेशन होगा, इसको फर्दर मॉडिफिकेशन होगा एंड ये तब बनेगा मैच्योर आर आर एन ए, मैच्योर आर एन ए बनेगा एंड ये फिर आगे जाके मैच्योर आर एन ए प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, ये आगे जाके प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। अभी मॉडिफिकेशन जो होगा वो कौन सा मॉडिफिकेशन होगा हम लोग देखते हैं। अभी आरएनए एडिटिंग मतलब ही आरएनए मॉडिफिकेशन होता है, तो मॉडिफिकेशन तीन टाइप के हैं। फर्स्ट ये जो है वो है 5' कैपिंग, सेकंड है टेलिंग, थर्ड है स्प्लाइसिंग। अभी 5' कैपिंग में क्या होता है कि सपोज जैसे हमारा एक एच एन आर एन ए बना, एच एन आर एन ए मतलब कौन सा, जो डीएनए के बाद जो आरएनए बनता है उसको हम लोग कहते हैं एच एन आर एन ए, ओके एच एन आर एन ए। अभी क्या होता है कि जैसे हमको ये पता है कि जो आरएनए सिंथेसाइज होता है वो 5'-3' एन में होता है, ओके अभी कैपिंग 5' कैपिंग से ही क्या पता चलता है कि 5' एन में समथिंग कुछ तो भी कैप जैसा लगने वाला है, ओके तो जैसे हमने ये वाला एक कैप लगा दिया यहाँ पे, ये हमने एक कैपिंग कर लिया, ओके इसको कहते हैं कैपिंग। अब ये कैपिंग मतलब क्या होगा, कैपिंग मतलब यूजुअली क्या होता है कि एक वहाँ पे एक कैप लगाया जाएगा, किसका कैप लगाया जाएगा, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, जिसे ये जी टी पी है, जी टी पी का कैप लगाएंगे। बट यहाँ पे मिथाइल है तो यहाँ पे एम जी टी पी लगाएंगे, मतलब ये 5' एंड में कैसा होगा कि एम जी टी पी 5', ऐसा 3' होगा। तो यहाँ पे कैपिंग किसका होगा, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। गुआनोसिन हमने देखा था, गुआनोसिन मतलब क्या होगा, शुगर होगा प्लस बेस होगा एंड ट्राइफॉस्फेट बोला है मतलब तीन फॉस्फेट ग्रुप होंगे, ओके तो ये है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एक कैपिंग हुआ, ये एक फर्स्ट मॉडिफिकेशन हुआ, ये पहला एडिटिंग हुआ या फिर आप मॉडिफिकेशन बोल सकते हो, फर्स्ट मॉडिफिकेशन हुआ। सेकंड क्या होता है कि टेलिंग, टेलिंग में क्या होगा कि जैसे ये 5' एंड है ये 3' एंड है, तो अभी यहाँ पे एडेनाइलेट लगता है 3' एंड पे। अभी जैसे ये वाला कैपिंग तो इधर है 5' एंड में, ये वाला कैपिंग है, पर 3' एंड में कैसा है कि यहाँ पे पॉली ए लग जाएगा, बहुत सारे ए ए लग जाएंगे, कितने लगेंगे, अराउंड 200-300 एडेनाइलेट लगेंगे, मतलब यहाँ पे 200-300 ए ए ए ए ए ऐसे लगेंगे 3' एंड की तरफ। इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉली ए टेल, इसको पॉली ए टेल भी कहते हैं हम, पॉली ए टेल। तो ये क्या हुआ टेलिंग, क्योंकि हम लोग इसको टेल लगा रहे हैं, एक पूंछ की तरह लगा रहे हैं, ओके। थर्ड होगा स्प्लाइसिंग। अब स्प्लाइसिंग वर्ड से क्या पता हमको चलता है कि स्प्लाइसिंग मतलब कुछ तो भी स्प्लाइस हो रहा है, कट रहा है, ओके तो 5' एंड में एज यूजल हमारे ये कैपिंग होगा, 3' एंड में हमारा पॉली ए टेल होगा, ओके ये 3' एंड है एंड ये 5' एंड है, ओके एंड यहाँ पे क्या एम जी टी पी का कैप लगेगा। बट मैंने ये बोला था कि जो हमारा यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है कि जो हमारा एम आर एन ए बनता है उसमें कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे ये एक सीक्वेंस हुआ, ये एक सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस, ये वाला एक सीक्वेंस, ये जो पिंक कलर का मैंने किया है इसको हम लोग कहते हैं एग्जॉन, ओके एग्जॉन कहते हैं एंड ये जो रिमेनिंग है इसको हम लोग कहेंगे इंट्रॉन। तो हमने ये देखा था कि जो एग्जॉन है वो ही आगे जाके एक्सप्रेस होगा एंड इंट्रॉन जो है निकल जाएगा। अभी स्प्लाइसिंग में होता क्या है कि जैसे ये अगर हमारा आरएनए है, ये ऐसा ना, ये ऐसा स्ट्रक्चर में हो जाता है, ओके तो ये जो है वो इंट्रॉन है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो फोल्डिंग वाला है वो क्या है, वो इंट्रॉन है एंड ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला एग्जॉन है। तो अभी इंट्रॉन के केस में क्या होता है कि हमने एक प्रोटीन, सॉरी हमने एक आरएनए देखा था एस एन आर एन ए, ओके ये देखो ये एस एन आर एन ए। अभी ये जो एस एन आर एन ए क्या होता है कि यहाँ पे आके इंट्रॉन को ऐसे बाइंड कर लेता है, जैसे एस एन आर एन ए आ गया, ये इसको जाके ऐसे बाइंड कर लेता है, ये रेड वाला क्या हुआ एस एन आर एन ए, ये एस एन आर एन ए इधर जाके इसको ऐसे बाइंड कर लेता है एंड ये जो एस एन आर एन ए है वो इसको स्प्लाइस कर देता है, ये इंट्रॉन को ऐसा निकाल लेता है। अभी निकालने के
निकालने के बाद क्या होगा कि ये जो इंट्रॉन्स है वो ऐसे फ्रैगमेंट में रहेंगे, एंड ये फ्रैगमेंट आगे जाके ये ऐसा जुड़ जाएंगे, तो ये एग्जॉन बन जाएगा, ये पूरा एग्जॉन हो जाएगा। एंड ये जो फाइनली जो बनेगा वो एक आरआरएनए हुआ। अब ये कौन सा आरएनए बनेगा, ये एक बनेगा मैच्योर आरएनए, ये एक मैच्योर आरएनए बनेगा। पहले जो था हमारा एच एन आरएनए बना था, बट बाद में उसको मॉडिफिकेशन होने के बाद उसका हमने बनाया था मैच्योर आरएनए। अभी इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये वाला जो है वो है आरएनए पॉलीमरेज, ओके, ये ऐसा आरएनए बन रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, मैंने बोला था कि ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होते हैं, जैसे कैपिंग हो रहा है यहाँ पे देखो, जी मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका कैपिंग लगा 5' में, ओके, ये हुआ कैपिंग वाला प्रोसेस। सेकेंड क्या हुआ, पॉली ए टेल लगा, ये देखिए ये सेकंड है मॉडिफिकेशन पॉली ए टेल जो 3' में हुआ। अभी जैसे ये ऑरेंज वाला है हमारा इंट्रॉन, इनको हमको निकालना है इंट्रॉन को, ओके। अभी ये देखिए हमको ये इंट्रॉन यहाँ पे बाइंड हो गया, इंट्रॉन को ये एस एन आर एन एज है, ओके, ये एस एन आर एन एज है, ये जो सर्कल वाला है वो एस एन आर एन एज है, वो एस एन आर एन एज इंट्रॉन को ऐसे बाइंड करेगा एंड वो उसको स्प्लाइस कर लेगा एंड ये आगे जाके एम आर एन ए मैच्योर एम आर एन ए बनेगा। तो मैच्योर एम आर एन ए में देखिए क्या है कि ये कैप भी है इधर, ये पॉली ए टेल भी है यहाँ पे इधर ग्रीन वाला, एंड यहाँ से और यहाँ से सब इंट्रॉन वाला पोर्शन भी निकल गया है, मतलब ये सिर्फ एग्जॉन है एंड यही आगे जाके हमारा प्रोटीन बनेगा। तो यही है कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, लाइक प्रोमोटर एंड ये जो हमने डिस्कस किया था डिफरेंसेस की, प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर में जैसे सिग्मा एंड रो लगता है, वैसे यूकैरियोट्स में नहीं लगता है, यूकैरियोट्स में कुछ अलग से कंपोनेंट्स लगते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो यही है जो एडिटिंग का प्रोसेस जो होता है, जो मॉडिफिकेशन होता है वो सिर्फ यूकैरियोट्स के केस में ही होता है, प्रोकैरियोट्स के केस में नहीं होते हैं, ओके। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, देन बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, थैंक यू।